तो दोस्तों आज हम बनाएंगे नमकीन खस्ता लच्छा मटरी। लच्छा मटरी बनाने के लिए ये स्पेशल कॉफी के साथ आप इसे कंबाइन करके खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और स्पेशल क्रिस्पी है ये, और टेस्ट में तो पूछिए ना कितना अच्छा इसका टेस्ट है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एक पैन लेंगे, पैन में एक चम्मच तेल या घी जो भी हो उसे डालेंगे। साथ में ही मेथी को काट के डालेंगे, हरी मेथी है काट के धुल लिया है उसे डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए अच्छे से इसका सारा पानी सुखा लेना है, क्योंकि मेथी में पानी बहुत पाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि पानी कितना छोड़ दिया है, तो पानी को पूरी तरीके से हमें सुखा लेना है। आप पैन की जगह तवे या कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। तो पानी अच्छे से सूख चुका है, तो अब गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। फिर चलते हैं, एक प्लेट या थाली जो भी लेना हो उसे आप लीजिए, कोई बड़ा बर्तन, उसमें मैदे को चाल करके लेना है। तो यहाँ पर मैदा आप अपने अनुसार लीजिए, आपको जितना बनाना हो। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे अजवाइन, तो अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। साथ में ही लेंगे, जिस कटोरी से हमने अजवाइन लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी रिफाइंड ऑयल लेंगे। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। साथ में ही स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खाना हो। साथ में ही 4 पिंच हींग डालेंगे, हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। इतनी चीजें डालने के बाद आपको जो मेथी हमने भून करके रखा था उसे डाल देना है। और मेथी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। आप इतने सामान में भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको और सामान डालने का है, डालना चाहती हैं, तो आप यहाँ पर कस्तूरी मेथी थोड़ा सा ले लीजिएगा और साथ में ही कलौंजी ले लीजिएगा। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप डालेंगे टेस्ट और अच्छा आएगा इसका। तो हम ये दोनों भी चीजें यहाँ डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के आटे को गूंथ लेंगे। सो फ्रेंड, आटे को बहुत ज्यादा टाइट नहीं और बहुत ज्यादा नम नहीं, मीडियम बीच का आटा गूंथा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा आटा तब भी मटरी अच्छी नहीं बनेगी, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तब भी। तो बीच का आटा गूंथा होना चाहिए इस तरीके से। अब आटे को ढक करके सेट होने देते हैं केवल 5 मिनट के लिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ 1 कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिए हैं, इसका हमें घोल बना के तैयार करना है। तो मैदे में पानी डाल के इस तरीके से एक स्मूथ सा घोल बना के तैयार कर लेना है। फिर इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देना है और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि इसका घोल एकदम क्रीमी बन के तैयार हो। तो जैसे केक वगैरह में घोल में रिफाइंड डलता है, बस उसी तरीके से हमें रिफाइंड डाल के इसको एकदम स्मूथ इसका घोल बना के तैयार करना है। अब क्या करेंगे, चाकल लेंगे और उस पे आटे को एक बार फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे। और 5 मिनट बाद आटा आप देख पा रहे हैं फूला नहीं है अभी, क्योंकि आटा इसको फुलाए करके नहीं बनाना। अगर आप इसे फुलाओ करके बनाएंगे तो जो रेसिपी आज हम बनाने वाले जो स्नैक्स, वो एकदम बिल्कुल भी खस्ता नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए आटा को बिल्कुल फुलाइएगा नहीं। अब लोई काट के, लोई लिया है और लोई में हल्का सा तेल लगाएंगे, और तेल लगा करके इसको हमें बेल लेना है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आपको 2 रोटी बेल करके तैयार करना है, एकदम पतला महीन महीन हमें बेल करके तैयार करना है, मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे कितना महीन हमने बेला था, उसी तरीके से दूसरा भी हमने बेल करके तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, जो हमने मैदे का घोल बनाया था उसे यहाँ पर एक साइड थोड़ा सा बस लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा लगाने के बाद दूसरी रोटी इसी के ऊपर टच कर देंगे और रख करके दूसरी रोटी पूरे में अच्छे से घोल लगा देंगे। और घोल बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साइड घोल ज्यादा हो गया है, तो इसको हाथों से उठा करके दूसरी रोटी में इसको सेट कर देंगे।
तो इससे क्या होगा, सभी तरफ बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, एक साइड से आपको इसको रोल कर लेना है। तो आप इसे एक रोटी से भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मटरी हम बना करके तैयार करेंगे, तो इसलिए हमने दो रोटी से इसे बनाया है ताकि इसका साइज बड़ा रहे। अब रोल बनाने के बाद इसको हाथों से थोड़ा सा सेट कर देना है, और बिल्कुल दबाना नहीं है, हल्को हल्के हाथों से। अब इसके बाद इसको पीसेस में काट लेना है। तो इस तरीके से आप पीसेस में काट लीजिए, और काटने के बाद एक एक रोल को उठा करके हल्का से हाथों से चपटा दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये मटरी जब छानेंगे ना हम, जब फ्राई करेंगे मटरी को, तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। तो इसी तरीके से हम चपटा देंगे और इसको हम प्लेट में लेके चलते हैं, फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे, अगर उस तरीके से भी आप मटरी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो यहाँ हमने इसको एक एक करके तेल में डाल दिया है। अब इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मटरी का जो लच्छा है थोड़ा सा आपको अलग अलग दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से आप जब बनाएंगे तो मटरी का लच्छा अलग अलग हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरीके से मटरी बना के खाते हैं और कॉफ़ी के साथ अगर इसे कंबाइन करके खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि ये मटरी और कॉफ़ी का टेस्ट अलग ही होता है। तो बस फ्राई करना है, फ्राई करके बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, हल्का लाल पे इसको निकाल लेना है, क्योंकि निकालने के बाद ये अपने आप डार्क लाल हो जाता है, कलर ये अपना अपने आप चेंज कर देता है। तो अब इसी तरीके से हम दूसरी भी मटरी बना के तैयार करेंगे। तो ये तरीका आपका एक साथ ही एक ही रोटी में हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, दो लोई एक के ऊपर एक रखनी है, और इसको अच्छी तरीके से पतला महीन सा बेल करके तैयार कर लेना है। अब इसे हमने महीन सा बेल करके तैयार कर लिया है, तो अब क्या करना है, एक साइड से इसको फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने वो मैदे का जो घोल बनाया था उसे नहीं लगाया है, तो इसको बिल्कुल भी हाथों से प्रेस करते हुए दबाना नहीं है, और इसको क्या करना है, केवल इसको काट लेना है रोल करके। आप इसे रोल करके काट लेंगे और इसके बाद आप इसको ऐसे यूं ही उठा करके फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसे दबा देंगे तो ये मैदा जो है एक दूसरे में चिपक जाएगा, क्योंकि बीच में घोल नहीं लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बिना घोल के बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल दबाना नहीं है मैदे को। जो हमने रोटी बनाई थी, रोटी का जो रोल बनाया था, उसे बिल्कुल हाथों से दबाना नहीं है, आप ऐसे ही फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें डिज़ाइन थोड़ा बहुत उभर के नहीं आई है, लेकिन डिज़ाइन इसमें भी आई है, डिज़ाइन उसमें भी आई है। तो आप दोनों में से कोई एक तरीके से इस मटरी को बना के इंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही तरीका बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसे फटाफट 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो हमारी मटरी बन करके तैयार है, आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। मैं प्लेट में डाल ही रही हूँ कि इतना ज़्यादा क्रिस्पी है, तो खाने में कितना ज़्यादा होगा। आपको मैं मटरी को तोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अंदर तक ये बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, और भी बहुत टेस्टी मटरी है। आप इसे बना के ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि ऐसे ही हम नई नई डिशेस लाते रहते हैं, एकदम ईजी सी रेसिपी। तो फ्रेंड, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।